आम आदमी पार्टी के नेताओं विधायक राघव चड्ढा और अतिशी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम कारपोरेशन के सदन के नेता जोगेश वर्मा द्वारा भेजे 1 करोड़ की मानहानि के नोटिस पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इन 4 पन्नों के नोटिस से नहीं डरती। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नोटिस से भाजपा ने आम आदमी पार्टी और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। और मुझे नॉर्थ MCD के हाउस लीडर भाजपा के पार्षद योगेश कुमार वर्मा जी से एक क्रिमिनल डेफिमेशन का नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ के क्रिमिनल डेफेमेशन की बात की है। ये क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है? ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास है। वो चाहते हैं कि MCD में जो भाजपा इतना भ्रष्टाचार करती है उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। वो चाहते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन करके इस आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन मैं भाजपा के सारे नेताओं को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आज दिल्ली में हर रोज जनता ये कह रही है कि भाजपा की MCD भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज दिल्ली के किसी कोने में जाइए, आपको हर व्यक्ति बता देगा कि 1 स्क्वायर फुट लिंटर के कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर भाजपा को क्रिमिनल डेफेमेशन करना है तो किस किस पर करेगी? क्या वो विजय गोयल पर करेंगी, जिन्होंने खुद कहा था कि भाजपा के MCD करप्ट है? क्या वो नॉर्थ MCD के फॉर्मर कमिश्नर पे करेंगे, जिन्होंने कहा था MCD में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है? क्या वो CAG पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे, जिन्होंने अपने ऑडिट में कहा कि नॉर्थ MCD में 3,000 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं? जिसने कहा CAG ने कि साउथ MCD में 1,100 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं? क्या वो दिल्ली के हर व्यक्ति पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे जो बताता है कि हमें लिंटर बनाने के लिए MCD को पैसा देना पड़ता है? तो हम भाजपा को ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उठाते रहेंगे। हम ऐसे डेफेमेशन नोटिसेस से डरने वाले नहीं हैं। एक तो NDMC यानी कि नॉर्थ उत्तरी MCD भ्रष्टाचार करे, उसके बाद वो हमसे 1 करोड़ रुपए भी मांगे क्योंकि हमने उनके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है और मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई एक व्यक्ति दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में कोई एक व्यक्ति भी अगर भारतीय जनता पार्टी हमें दिखा दे, मिलवा दे, जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूं या नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं है। और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ साल पहले अपने एक ऑर्डर में कहा दैट MCD का मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, MCD का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये हमने नहीं कहा, ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार वर्मा जी अब हाईकोर्ट के जज पर भी मानहानि करेंगे? MCD के कमिश्नर का बयान है, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर। नॉर्थ MCD के, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर। आई हार्डली हैव इंजीनियर्स ऑफ इम्पेकेबल रिकॉर्ड। वो बताते हैं कि 230 इंजीनियर में से मात्र 17 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं, यानी कि 200 में से केवल 17 लोग हैं जिन पर चार्जशीट दर्ज नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट दर्ज है। विजय गोयल जी का बयान आया और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप मुझसे कहोगे कि MCD कैसी है, मैं कहूंगा चोर है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं। तो क्या योगेश जी अब विजय गोयल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाने जा रहे हैं? कब जा रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बेकार घटिया 4 पन्नों के नोटिस से डरने वाली पार्टी नहीं है, तो हमें डराने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। हम इसकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, और ये लड़ाई अब हम नहीं लड़ेंगे। आज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब जनता लड़ेगी, और अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर एक राज्य व्यापक अभियान शुरू करेगी, जिस अभियान के माध्यम से हम नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार
के सबूत और इकट्ठे करेंगे, जनता की आवाज बनकर इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे।